Subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। बैठो, तुम भी चाय पियो। मुझ बेचारी को तो जहर खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। सवेरे सवेरे माँ जी के बाल गोपाल को भजन गाकर प्रसन्न करना पड़ता है, फिर चाय पीने के लिए उनके नंद गोपाल की खुशामद करनी पड़ती है, फिर घर जाकर भैया को नाश्ता बनाकर देना पड़ता है, तब कहीं जाकर आधा कप चाय नसीब होती है। हाँ माँ जी, भोला को वो नस्वार की डिबिया दे दूँ ना, और उससे कहूँ कि बाजार जाए तो वैसे ही एक और ले आए, नहीं उसे वापस कर दे, और नत्थू से कहे कि जो पहले नमूना भेजा था वही भेजिए ना। आ तो रही हूँ, ये खामखा पै 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 क्यों कर रहे हो? कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, ये लो चाबियाँ। कुंवर जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तुम लोग क्या कह रहे हो? कम से कम इतवार को तो घर पर चैन से बैठा करो। कभी कॉलेज में मैच हो रहा है, कभी पिकनिक पे जा रहे हैं, और 2-3 साल से नई बीमारी लगा रखी है, बोटिंग की। अरे भाई, उसी सिलसिले में तो हम लोग सक्सेना साहब से मिलने जा रहे हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं भूख हड़ताल करके रानी माँ के यहाँ जाके बैठ जाऊंगी। अरे बाबा, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। हाँ, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। साहब आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। सक्सेना साहब, ये है मिस्टर कौशल, मेरा जिगरी दोस्त। जाओ चाय ले आओ। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि जी मैं एक जरूरी काम से हाजिर हुआ। ये क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको हमारी अगली बोट रेस में जज बनना होगा। क्यों नहीं? अगर मुझे न मिली तुम तो मैं ये समझूंगा के दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी। सुना तुमने? राजेश कहता है कि भानु से शादी करूंगा। सक्सेना हमारे घराने का क्या मेल? कुंवर जी को ये सब पसंद होगा, तभी तो आपसे आज्ञा मांग रहे हैं। कौन होता है वो सब कुछ पसंद करने वाला? आपका बेटा, आपका खून। मेरा बेटा, मेरा खून, और इस खानदान के आबरू मिटाना चाहिए? नहीं तो आपका बेटा उसे जीवन साथी बनाना चाहता है, जिसे पाकर वो खुशी खुशी सारा जीवन बिता सके। आप देवी हैं, बेटे ने आज प्यार का दान मांगा है, तो क्या आप उसे खाली हाथ लौटा देंगे? आपके विशाल हृदय से निकली हुई हाँ, आपके बाल गोपाल के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी माँ, आपके विशाल हृदय से निकली हुई हाँ। माधवी, आपने आज्ञा दे दी। भगवान ने फुर्सत में बैठकर बड़ी मेहनत से बनाया है आपको। आप माधवी, उनकी बहन, कुछ ही समझ लीजिए। देखा जाए तो कोई नहीं, सोचा जाए तो बहुत कुछ। आप आएंगी ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बड़ा कीमती लगते हैं, कहाँ से लिए? घबराओ नहीं, उधार नहीं लाया। वो जो सोने का मेडल था ना, जो पिछले बरस बोट रेस में जीता था, याद है तुम्हें? उसे तुड़वाकर बनवा लिए। ये तूने अच्छा नहीं किया भैया, वो तो तुम्हारे जीत की निशानी थी। अरे मेडल तो हर बरस मिलते हैं पड़ी, लेकिन तुम्हारे जैसी अच्छी बहन मोती दान की मिलती। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज नहीं। मेरे भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? उनके लिए, दुनिया वालों के लिए माधवी सिर्फ एक दोस्त की बहन सही, लेकिन तुम तो जानती हो माँ, वो इस हवेली की आत्मा है। उसकी चहक, उसकी संगीत से ये हवेली गूंजा करती थी। आज यहाँ सन्नाटा है, मौत का सन्नाटा। मैं ये शादी कैसे रचाऊं माँ, कैसे रचाऊं? सक्सेना जी की हालत मुझसे देखी नहीं गई। बार बार यही कहते रहे, आप जो आज्ञा देंगी वही होगा। लेकिन मेरी मजबूरी भी देखिए, मैं एक बेटे का बाप हूँ। जानती हो ये सेज किसने सजाई है? माधवी ने। हाँ भानु, वही तो इस हवेली की रौनक है। और तुम्हारी भानु? भानु, तुम मेरी जिंदगी हो और माधवी मेरी खुशी। जीने के लिए दोनों का होना जरूरी है। अरे माधवी तुम? हाँ भानु, नींद आ रही है क्या? तो फिर इन थकी थकी आंखों में डोरे क्यों? अच्छा बताओ, कैसे लगा ये नया घर, नए लोग? अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? कल से झरना ले आए करी। झरना तो आज आई है ना भाभी, मैं तो बरसों से कुंवर जी के लिए चाय ला रही हूँ। सच तो है, और फिर मुझे किसी दूसरे के हाथ की बनाई हुई चाय अच्छी भी तो नहीं लगती। माधवी, भानु के लिए चाय मैं बना देता हूँ, तुम मेरे लिए कपड़े निकाल दो। बजरंग बली कर भली। अरे वाह रे वाह, बजरंग बली जय जय। चलो ए छिपकली छिपकली। यो तुम्हें बहू रानी बुला रही है। और भोला, तुम रानी माँ का सामान बांधो, वो गुरु दर्शन को जा रही हैं। आप तो कहती थी ना, आप जादू टोना कुछ नहीं मानती। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्या ये जादू नहीं तो और क्या है? सारी हवेली माधवी के इशारों पर नाचती है। नौकर चाकर कुंवर जी माँ जी जो वो कहती है वही करती है। इस हवेली की तो बहुरानी आप है और हुक्म चलता है माधवी का। राम जाने कौन भैरसित कर रखा है इस मुनीम की बेटी ने। कौशल की याद आ रही है मुझे भी। सुबह से बार बार उसकी याद सता रही है। मुझे राखी नहीं बांधेगी। माधवी डायन भाई को खा गई। अब कुंवर जी की बारी, कुंवर जी की बारी। माधवी, तू आए थे कंगन देने? राखी नहीं बांध, शायद बांध ही नहीं गई। और तुम बांध भी कैसे सकती थी? ये रेशम की चंद धागे जिन्हें बहन का प्यार फूलों की तरह उठा लेता है, उन्हें उठाते वो हाथ कांपे ही कांपे। जिनके दिल में कुछ और हो और जुबा पे कुछ और। भाभी, मैं जानबूझकर ये राखी लेकर आई थी, ये देखने के लिए कि अगर माधवी सचमुच उनको भाई मानती है तो उनकी सलामती के लिए राखी जरूर बांधे। बंद करो बकवास। बदकार भानु, राजेश, मैं पागल हो जाऊंगा। बंद करो ये बकवास। माधवी जी, माँ जी, राजेश को लड़का पसंद है और बहू भी जोर दे रही है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। बेटी, हर लड़की किसी न किसी दिन उस चौराहे पे आके खड़ी होती है जहां उसे जिंदगी का एक रास्ता चुनना ही पड़ता है। मोती बाबू के बारे में तेरी क्या राय है? बोल। माँ जी, आप जो भी फैसला करेंगी वो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। जीते रहो मेरी लाडली, जीते रहो। शादी के लिए तो पिताजी भी बहुत दिनों से जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब तक इंसान अपने पांव पर खड़ा न हो जाए उसे शादी करने का हक नहीं। मगर आपके पिताजी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हैं पिताजी, मैं नहीं। बात यह है कुंवर जी कि पिताजी का एक ड्राफ्ट आना था, आज 23 तारीख हो गई और अभी तक नहीं मिला। 25 तारीख से पहले पहले मुझे लकड़ी के कारखाने की 20,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर ये डील पूरी ना हो, ऐसा होगा ही क्यों, हम भी तो आपकी कुछ सेवा कर सकते। लेकिन मैं आपसे ये सब, इसमें झिझकने की क्या बात है? ड्राफ्ट आ जाए तो मुझे लौटा देना। मोती बाबू, आज मैं आपको इस हवेली का जीवन सौंप रहा हूँ। माधवी से अगर कभी कोई भूल हो जाए तो उसे मेरी भूल समझकर माफ कर दीजिए। अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। भानु, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम सितार बजाना सीखो? सीख तो लो, मगर मुश्किल हो जाएगी। जो मुश्किल से थोड़ी देर फूटती वो भी न भुला सकोगी। क्या? माधवी किया और क्या। माधवी, तुम कब आई? आज से एक जरूरी काम। कहो क्या काम? बैठो, कहो ना क्या बात है, मुझसे कैसी चीज है? उन्होंने लकड़ी के कारखाने का सौदा किया है। अच्छा किया ना। इसके लिए पेशगी देना है उन्हें, 20,000 रुपए। हाँ हाँ। अभी तक उनके पिताजी ने अपने 1 रुपया नहीं भेजा, इसीलिए मोती बाबू ने तुमसे कहा है कि मुझसे। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा। मैंने खुद ही सोचा कि आपसे बात करके देखूं। इसे कर्जी समझिएगा, उन्होंने कहा है अफ्रीका से रुपया आने तक फौरन लौटा देंगे। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, गाड़ी है। ये चेक आपका बैंक से वापस आ गया है। जो चेक मैंने इस चेक के भरोसे इश्यू किया था उसका क्या होगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और आपका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करना होगा ये भी आप ही बता दीजिए। बताने को तो बहुत कुछ है मोती बाबू, और मैं जताना नहीं चाहता। इससे पहले भी एक 20,000 का चेक कारखाने की पेशगी रकम अदा करने के लिए दे चुका हूँ। वो रकम आपने कहाँ और किस तरह खर्च की बताते हुए मुझे शर्म आती है। ये लीजिए कारखाने की डील के कागज। 20,000 की पेश की रकम अदा करके मैंने सौदा पक्का कर दिया है। ये तो माधवी के नाम है। हाँ, कारखाना माधवी के नाम रहेगा, आप सिर्फ उसे चलाएंगे। पिताजी, आप अफ्रीका से आने की तो आपने खबर तक नहीं दी। अपनी बहू मुनीम बनवारी लाल जी की बेटी है ना? जी हाँ, उन्हीं की बेटी माधवी। और राजेश भी शायद। नहीं तो ये आप क्या कह रहे हैं? वो दिन याद है रानी माँ, जिस दिन कालू माली आपके चरणों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। तुम्हारे बेटे ने खून किया है, एक गरीब विधवा के बेटे का खून। जो एक सोने की माला के लिए किसी की गर्दन काट सके, उसकी गर्दन हम फांसी के फंदे से हरगिज नहीं बचा सकते। तो फिर कालू माली का क्रोध जागा। राजा जी का एक ही बेटा था, राजेश। उस रात जब सब सो गए, राजेश को लेकर कालू झील में कूद पड़ा। राजा जी को खतरा हुआ, उनके वारिस न होने से सरकार उनकी जागीर छीन लेगी। राजा जी की इच्छा पर उनके वफादार मुनीम बनवारी ने अपने बेटे को रानी माँ के गोद में डाल दिया। क्यों रानी माँ? नहीं नहीं, मोती मेरा बेटा नहीं। बदली की आग में जलकर इस हवेली में कोई नया नाटक खेलने आए हो। मालकिन, सच को न छुपाइए। ये रहा वो लॉकेट जिसमें आज भी आपकी याद चढ़ी हुई है। याद दो मालकिन, क्या बदला लिया है। वो भोला भाला बालक जिसे मेरी संगत ने जुआरी, शराबी और पक्का आयाश बना दिया है। बदला लिया? फिर जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। उस हवेली का मुनीम बन सकता है, अपने बाप के क्वार्टर में रह सकता है, हम इसकी इजाजत देते हैं। मोती, वो हमें झूठे चेक दे सकता है, लेकिन हम तो उसे सचमुच की नौकरी दे रहे हैं। आप बड़े दयालु हैं। तुम हमसे मजाक करते हो? मालिक से नौकर मजाक कैसे कर सकता है? मुझे इस हवेली से मांझी से इतना लगाव है, आप कहें मैं इनके लिए अपनी जान भी दे दूं। आज तेरी ये हिम्मत कि शराब पी के तू मंदिर के दरवाजे पर आ गया? इस भगवान की बात करती है माँ, इस भगवान की माँ। कभी तूने इससे इतना तो पूछा होता कि इसने तेरे बेटे के लिए क्या किया है। ये क्या हो रहा है? रानी माँ ने नई वसीयत की है, उसके मुताबिक झील के पास वाली जमीन आपके नाम करनी है। मगर ये कैसे हो सकता है माँ? मोती को मैंने जन्म दिया है, लेकिन तुझे बड़ी ममता और प्यार से पाला है मेरे बच्चे। जब एक भाई दूसरे भाई पर अत्याचार करने लगे तो माँ चुपचाप कैसे सह लेगी? पर माँ, उस जमीन पर तो तुम्हारे बाल गोपाल का मंदिर बनने वाला है। नहीं बेटा, मेरे बाल गोपाल की अब यही इच्छा है कि उस धरती पर तेरा घर बने। तुम लोग दगाबाज हो, तुम लोगों ने साजिश की है। तुम सब ने मिलकर मेरी माँ से वसीयतनामे पर झूठे दस्तखत करवा लिए। तुम लोग मुझे जिंदगी भर के लिए भिखारी बना देना चाहते हो। जालिमों, तुमने रातों रात मेरी माँ को चिता के हवाले कर दिया, मुझे खबर तक न दी। तो क्या उस बदनसीब माँ की अर्थी चौराहे पे पड़े इंतजार करती रहती कि कब उसके शराबी बेटे को होश आए और उसे कंधा देकर शमशान तक ले जाए? मेरी माँ से जबरदस्ती वसीयत नामे पर दस्तखत करवाने वाले नमक हराम। मोती बाबू, मेरी मजबूरियों को न ललकारो। अच्छा बच्चों, मैं आ गया। लो भगवान, आज मोती तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा, तुम्हारे चरणों में सिर झुका रहा। मुझे माधवी की भीख चाहिए, माधवी के प्राणों की। दे देना। तुमने मुझे आज तक इस जीवन में कभी कुछ नहीं दिया। एक माधवी दी, अब उसके जीवन की भेंट भी मांग रहे हो। मोती बाबू, माधवी को होश आ गया, भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हारे ये आंसू मुझसे सहन नहीं होते। पूरा मन दर्पण कहे